मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में वैक्सीन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत इंदौर के वार्ड 48 में विधायक महेंद्र हाडिया पार्षद जितेंद्र चौधरी द्वारा कोविड-19 वैक्सीन शिविर लालाराम नगर कमेटी हॉल में लगाया गया। क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर में कोविड-19 वैक्सीन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को वार्ड 48 में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया द्वारा लालाराम नगर स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल चलाते हुए पूरे वार्ड में लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है और जो भी इससे वंचित है वह अपने घरों से निकलकर कोविड-19 वैक्सीन शिविर जाकर वैक्सीन जरूर लगाएं। इसी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, किस प्रकार का पूरा रस है, कितने लोगों का टारगेट रखा गया है अपने वार्ड में? आज 21 जून माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है। आज इंदौर में ही करीब करीब 2.5 से 3 लाख डोज हमको लगाना है। हम लोग 3-4 दिन से पूरे परिवार के साथ मिल करके घर घर जाके पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी हर बूथ स्तर पे एक भी घर में कोई भी नहीं छूटे, करीब करीब हम सबको ढूंढ के निकाल कर उनको वैक्सीन कराएं। आज आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सेंटर पे जिस हिसाब से लोगों में जागरूकता है, रश है, सुबह से इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज जो संकल्प लिया है पूरे प्रदेश को, मतलब पूरे भारत में प्रथम लाने के लिए, उसमें हम सफल होंगे। सर बताइए, प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी पहल करी गई है, तीसरी लहर भी आने की संभावना जताई जा रही है, इस प्रकार से कोविड-19 शिविर लगाया गया, किस लोगों को, किस प्रकार का पूरा आयोजन है, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा आपके द्वारा? ये आज यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ कालका माता मंदिर में, यहाँ 10 दिन तक रहेगा शिविर और हमने मेरे वार्ड में 22 बूथ है, 22 बूथ पर हमने एक एक वोटर लिस्ट लेके एक एक घर संपर्क किया। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनको हमारे कार्यकर्ता घर से निकाल कर यहाँ लेकर आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। सर कितने लोगों इसमें को लाभ मिल पाएगा आपके वार्ड में टोटल मिलाकर, और क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगी जा रही है? सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल, जो जिस मोबाइल में OTP आएगी आधार कार्ड और मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी सभी को यहाँ पर बुला के।